Hello, guys. Hello, everyone. A very good evening to you all. I hope that you all are doing so well. You all are working harder and hardest. You all are working towards the glory, towards the road to your success, right? Today, the topics which I have taken up for the discussion for you all is again three questions. One is, the case of visakha the first one that i am discussing before you the case of visakha versus state of rajasthan dealt with which of the following options are child prostitution right of woman child marriage sexual harassment at of woman at workplace option d is the correct option this question i think everyone knows by now Uh, कोई भी जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है उसको यह क्वेश्चन पता है क्योंकि यह क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं इससे बड़ा लीडिंग केस कोई है ही नहीं इसी में गाइडलाइंस दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान देखिए आप सब लोग जानते हैं कि सिंस सेंचुरीज वुमन वर कंफाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द सोसाइटी तो उनको ऊपर लाने के लिए जरूरी है कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो उनकी सोसाइटी में भागीदारी बढ़े उनको वर्क प्लेस पर लाना होगा उनको पढ़ाना होगा उनको आगे बढ़ाना होगा तो वर्क प्लेस पर अगर सेफ एनवायरमेंट नहीं मिलेगा वर्क प्लेस पर अगर उनको सेक्सुअली असोल्ट किया जाएगा सेक्सुअली अब्यूज किया जाएगा देन दैट विल डेल्ट डील अ वेरी सीवियर ब्लो ऑल दीज प्रोस्पेक्ट तो वुमन को हमें सेफ फील कराना है उनको यह कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि अगर हम वर्क प्लेस पर जा रहे हैं कहीं भी काम कर रहे हैं आप गूगल में काम कर रहे हैं फेसबुक में काम कर रहे हैं आप रिलायंस में टाटा में कहीं भी काम कर रहे हैं तो एक बढ़िया एनवायरमेंट उनको मिलना चाहिए जिसमें कि वो फ्री होकर के आराम से काम कर सके उनके टैलेंट का ऑप्टिम यूटिलाइजेशन हो पाए So, Visakha versus State of Rajasthan on Rebel Court laid down, laid down certain guidelines, and it's a landmark case which talks about the very fact that sexual harassment at workplace is totally, totally prohibited and it's a very punishable offense, a very serious offense and severe punishment to be awarded for this. Right? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा रेस जुडिकाटा जब मैं बोलता हूं तो आप सब लोग जानते हैं कि यह सीपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेस जुडिकाटा रेस जुडिकाटा कोई भी जुडिशियल सर्विसेस सीपीसी का तो मुझे मैं कह सकता हूं कि इंडिया में कोई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं होता होगा सीपीसी का जिसमें कि रेस जुडिकाटा क्वेश्चन में नहीं रहता होगा रेस जुडिकाटा या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वो रहना ही रहना है एकदम साइन कुआ नॉन है इंडिस्पेंसेबल है रेस जुडिकाटा से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे तो इस क्वेश्चन में भी यही है और जब मेंस में ही पूछ रहे हैं तो आप सोचो कि प्रेलिम्स का तो ये एकदम डिट्टो शोर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है रेस टा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि रेस जुडिकाटा का जो टॉपिक है वो बहुत ही ब्रॉड है इस क्वेश्चन में क्या है कि प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा पहला ऑप्शन है हैज टू बी स्पेसिफिकली रेस्ट दूसरा है नीड नॉट बी स्पेसिफिकली रेस्ट तीसरा है इज फॉर द कोर्ट टू सी ऑफ इट्स ओन चौथा है नन ऑफ द अब हियर द ऑप्शन विच इज द राइट वन is has to be specifically raised first option is the most appropriate one that is has to be specifically raised the first one is the right option coming down to the third question that is a instigates a 5 years old child namely b to steal a diamond ring consequently b does so इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए इंस्टिगेट करता है एक पांच साल के बच्चे को बी को कि तुम उसकी डायमंड की रिंग चुरा लो तुम उसके हीरे की रिंग चुरा लो ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को तो सवाल यह है कि यहां पे क्या ए बी दोनों लायबल है या ए लायबल है बी नहीं लायबल है या फिर बी लायबल है ए नहीं लायबल है या फिर दोनों लायबल नहीं है ठीक है तो इस क्वेश्चन में सीधा आप देखिए कि जो इंस्टिगेट कर रहा है वो लायबल है ही बी इसके ऑप्शन में देखिए पहला है ए कमिट्स नो ऑफेंस बट बी कमिट्स थेफ्ट बिल्कुल गलत है बच्चा तो लायबल ही नहीं होगा आप लोग जानते हैं कि डोली का प्रिंसिपल है हमारे सेक्शन 82 में अ चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ सेवन ईयर्स कैन नॉट बी हेल्ड टू बी क्रिमिनली लाइबल फॉर एनी ऑफेंस बिकॉज द प्रिजम्पन इज दैट अ चाइल्ड हुवन ईयर्स कैन नॉट फॉर्म द रिक्वेजेट मेन्सरिया टू कमिट द क्राइम ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग राइट उसके पास कुछ समझ ही नहीं है मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू कैन नॉट मेक अ चाइल्ड लाइबल

और आगे कर है बट ए कमिट्स अबेटमेंट ऑफ सेप्ट बिल्कुल सही ए जो इंस्टिगेट कर रहा है कि तुम बी को इंस्टिगेट कर रहा है कि तुम डायमंड रिंग चुरा लो तो बी तो भैया लायबल नहीं होगा क्योंकि उसकी उम्र पांच साल से नीचे है क्रिमिनल लॉ में प्रिंसिपल है डोली इन कैपेक्स का लेकिन ए जिसने इंस्टिगेट किया जिसने अबेट किया जिसने प्रवोक किया उसकी लाइबिलिटी होगी क्योंकि उसने उसको इंस्टिगेट किया बच्चे को अब वो बच्चा की लाइबिलिटी हो या ना हो वो बात की बात है लेकिन आपने तो इंस्टिगेट किया ना आपको जो करना था आपने कर दिया और बच्चा ने इस क्वेश्चन में तो कह रहे है कि आ, बच्चा ही कॉन्सिक्वेंटली सो ही कमिट्स द बच्चा विल नॉट बी हेल्ड टू बी लाइबल बट ए विल बी हेल्ड टू बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू कमिट थेफ्ट आई होप दैट आई हैव मेड इट एप एपली क्लियर राइट एज क्लियर एज क्रिस्टल राइट सो गाइस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन आप सब लोग मन से पढ़ाई करते रहिए सफलता आपके कदम चूमेगी दम मोर देन श्योर एंड आई नो दैट यू आर ऑल आर वर्किंग हार्डर 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 यू आर ग्रिंडिंग लाइक एनीथिंग यू आर ऑल आर बर्निंग द मिड नाइट ऑइल यू ऑल आर ट्वाइलिंग हार्ड फॉर द सक्सेस राइट जस्ट डू इट कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी इज द की डोंट डू लाइक दैट की पांच घंटे एक दिन हम दस घंटे पढ़े दो दिन दस घंटे पढ़े और फिर चार दिन पढ़े ही नहीं उससे कुछ नहीं होगा आप आठ घंटे ही पढ़ो सात घंटे ही पढ़ो छंटे ही पढ़ो मैं बोलता हूं लेकिन छह घंटे सात घंटे डेली होना चाहिए कंसिस्टेंसी लगातार बरकरार होनी चाहिए or your consistency then i don't see any reason as to why you should not be a judge right you, why you should not be an, uh, public, uh, uh, an assistant prosecution officer why you cannot be a good lawyer why you cannot make a great career in the field of law right so guys stay tuned on the india's biggest learning law learning platform Chanakya Clad classes and Chanakya Judicial Academy. Thank you everyone for watching me. Thank you, Jai Hind.